स्वास्थ्य के पीछे सत्य क्या है? सारी तकलीफें, सारी जड़ हमारी अंदर ही है, क्योंकि हम आज तक बाहरी एनवायरनमेंट को और बाहर का जो भी माहौल है उसको ही जिम्मेदार ठहराते थे। जब हम ये जान पाएंगे कि मैं खुद के लिए जी रहा हूँ, हर रोज़ मिरर में देख के खुद को फेस करो और बोलो, मैं जैसा हूँ खुद को बहुत प्यार करता हूँ। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर खुशहाली आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने शो में स्वास्थ्य का सत्य। पीएमसी हिंदी के इस चैनल पे हम कई हफ्तों से ये डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि स्वास्थ्य के पीछे सत्य क्या है, क्योंकि हम आज तक बाहरी एनवायरनमेंट को और बाहर का जो भी माहौल है उसको ही जिम्मेदार ठहराते थे। अभी हम इतना तो जान गए कि सारी तकलीफ़ें, सारी जड़ हमारी अंदर ही है, बाहर कुछ काम नहीं करना है, सब काम हमारे अंदर ही करना है। तो आफ्टर स्किन डिजीज़ हम आगे चलते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी मोटापा, जो अभी का सबसे बड़ा इश्यू है। इसके पीछे कई सारे ओबेसिटी क्लिनिक चलते हैं, जिम, डाइटिशियन, नेचुरोथेरापी, प्रोटीन शेक, ये सब हम लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम जानेंगे कि ओबेसिटी के मेडिसिनल कॉज कौन कौन से है, कि अगर हम साइंटिफिक वे से जाए तो उसके कारण क्या क्या है। फिर हम देखेंगे कि ईश्वर ने हमें, ये नेचर ने हमें ये फैट दिया क्यों, फिर ओबेज क्यों हुए, और फिर अभी हमें नॉर्मल वेट में कैसे आना है। तो ये पूरे एपिसोड में हम जानेंगे, तो आपको पहले से शुरू तक पूरा एपिसोड देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेडिसिनल यानी कि जो अभी का साइंस है हमारा, साइंटिफिक वे में जाए तो ओबेसिटी क्यों होती है। तो कुछ मेटाबॉलिक, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है, हम जो खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट होता है, वो खाना, उसमें न्यूट्रिशन जो है वो ब्लड के थ्रू हर एक ऑर्गन में, हर एक सेल में जाते हैं। वो डाइजेस्ट होने का वो जो प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस सेल तक फूड जाने का, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो कहीं ना कहीं फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, ये कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्ब हुआ ये मेटाबॉलिज्म, तब जाके हम ओबेज हुए। हमारा जो फूड से जो एनर्जी मिलनी चाहिए, जो फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ, तो फैट मोर एंड मोर स्टोरेज होने लग गई। हम एनर्जेटिकली वीक होने लग गए, कि हम बोलते हैं ना कि मोटा इंसान है बहुत लेज़ी होता है, और जितना मोटापा बढ़ जाता है उतना लेज़ीपना बढ़ जाता है, और लेज़ीपना और मोटापा। ये हम क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जो हम फूड खा रहे हैं वो मेटाबोलाइज होके हमें एनर्जी देता है, कहीं ना कहीं ये प्रोसेस डिस्टर्ब हुआ, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ, और जो फूड खाया वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ, एनर्जी में वो उसका बदलाव नहीं आया। तो हम आज जानेंगे क्यों। तो पहले थायराइड, क्योंकि थायराइड ग्रंथि जो है वो हमारी चीफ ग्लैंड है। हमने थायराइड में आगे देखा कि वो क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म करती है, हमारे मेटाबॉलिक रेट को अच्छे से कंट्रोल रखती है। जब उसका फंक्शन डिस्टर्ब होता है, कम होता है तो भी बीमारी, ज़्यादा होता है तो भी बीमारी। अगर कम हुआ तो क्या होगा, हमारा पाचन शक्ति कम हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, और हमारा जो फैट है वो मेटाबोलाइज होना डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हम ओबेज हो जाएंगे। अगर वो बढ़ गया तो हमने आगे देखा है कि डायरिया हो जाएगा और हम वेट लूज करने लग जाते हैं, ट्रेमलिंग आ जाता है, यहाँ पे स्किन ड्राई होगी, मोटापा बढ़ेगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। तो एक थायराइड ग्लैंड, दूसरी पिट्यूटरी ग्लैंड। क्यों पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि जो है वो यहाँ पे रहती है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो रहती है वो हमारे ब्रेन में रहती है, तो वहाँ से भी बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, हार्मोन्स वहाँ से बहुत सारे आते हैं, जो
हमारे सेक्सुअल फंक्शन को एनहेंस करते हैं, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को यानी हमारे ग्रोथ को भी एनहेंस करते हैं। तो फ्रेंड्स, वहाँ भी कहीं डिस्टर्ब हुआ तो क्या होगा, HPA एक्सिस जो डिस्टर्ब हुई हमारी, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस HPO एक्सिस, अगर वो डिस्टर्ब हुई, हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए, मोटापा आया, PCOD डेवलप हुआ, हमारी ओवरीज जो है वुमन के अंदर, एक फीमेल के अंदर जो दो ओवरीज रहती है, गर्भाशय यानी बच्चेदानी और उसके पास अंडाशय यानी ओवरीज, जहाँ से हर महीने एक बीज ओवम निकलता है, वो फूटता है, वो और हमें पीरियड्स आते हैं। अगर वो फर्टाइल हुआ तो बच्चा होता है, अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो मेंसेस आ जाते हैं हमें। तो इस प्रोसेस में जो हार्मोन्स चाहिए वो भी पिट्यूटरी से सिक्रेट होते हैं, तो वहाँ भी अगर कहीं गड़बड़ हुई तो यहाँ गड़बड़ होगी, PCOD डेवलप होगा, ओबेसिटी आएगी। ये सबसे मेन कारण है। तीसरा लीवर भी एक कारण है। फिर आता है हमारा किडनीज, जो क्या करता है, सारे फ्लूइड को फिल्टर करता है, टॉक्सिन्स को यूरिन से बाहर निकालता है और जो न्यूट्रिशन है उसको वापस से सिस्टम में भेजता है। ये हमारे किडनीज का फंक्शन है। तो जब यहाँ डिस्टर्ब हुआ तो भी हमारे बॉडी में फ्लूइड कलेक्शन होगा और हमारा बॉडी वेट बढ़ेगा, पर वो दो तरह से होता है, एक किडनी का इट्सेल्फ फंक्शन डाउन हुआ और एक हार्मोन्स, जो पिट्यूटरी से हार्मोन्स आते हैं, एड्रेनल हार्मोन और जो हार्मोन्स हैं बहुत सारे उसमें ADA हार्मोन, तो वो हार्मोन डिस्टर्ब हुए और ये आया। ये हमें देखना है कि कहाँ कौन सा हार्मोन डिस्टर्ब हुआ, ये बता दिया मैंने साइंटिफिक कॉज। अभी हम साइकोलॉजिकल लेवल पे देखने जाए तो हमने पहले ओबेसिटी क्या हुआ ना, इतना बड़ा पेट हो जाना, वज़न बढ़ जाना, फिर थकान लगना, तो ये अभी बहुत कॉमन है। बच्चों में भी ओबेसिटी हम देख रहे हैं नावाडेज बहुत ज़्यादा है, लड़कियों में ज़्यादा है, यंग एडल्ट यंग एज उसमें भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हर कोई कहीं ना कहीं इससे परेशान है। तो हम शुरू करते हैं कि ये होता क्यों है, ये जो फैट है ये एग्जैक्टली है क्या। एक्चुअली ये स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट के टिश्यू रहते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमें बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं और इंसुलेशन का काम करते हैं। इंसुलेशन यानी बाहर की ठंडी गर्मी उन सबसे हमें रक्षण देते हैं, पर ज़्यादातर ठंडी से रक्षा के लिए इंसुलेटर का काम करते हैं ये जो एडिपोज टिश्यू है। वो फैट का लेयर रहता है, हर जगह होना ज़रूरी है। अगर वो फैट का लेयर नहीं है और हम सिर्फ बोनी हैं कि हमारे बोन्स और मसल ही दिखेंगे तो हम कहीं बैठ नहीं पाएंगे, जहाँ भी हमारा हाथ लगेगा हमें पीड़ा होगी क्योंकि डायरेक्ट बोन्स पे हमें दर्द होगा। तो स्किन और स्किन के नीचे जो एडिपोज टिश्यू है वो हमारा प्रोटेक्शन का काम करते हैं हमें। और ये जो एडिपोज टिश्यू है ये क्या करता है, जब हम अंदर से डिवेल्यूएट फील कर रहे, हमारी आइडेंटिटी डिवेल्यूएशन में गई, डिवेल्यूएशन यानी खुद की वैल्यू नहीं समझना या फिर बाहर से कोई आपको डिवेल्यूएट करा रहा है, जब हम अंदर से हो रहे हैं तभी बाहर से कोई करा रहा है। तो सपोर्ट का काम है ना, एडिपोज टिश्यू का काम सपोर्ट का है, तो सपोर्ट कौन, सपोर्ट के लिए वैल्यूएशन चाहिए, जैसे मसल है, बोन है, लिम्फेटिक सिस्टम है, वैसे ही ये हमारे चर्बी के जो पेशी है जिसको हम एडिपोज टिश्यू बोलते हैं उसका काम भी एक सपोर्ट का है। तो जब हम डिवेल्यूएट करेंगे, खुद के लिए डिवेल्यूएशन महसूस करते हैं कि हाँ मैं इतना वैल्यूएबल नहीं हूँ, बहुत बड़ा वैल्यूएशन का नहीं होगा पर हाँ कुछ हम करने गए लाइफ में और हम वहाँ नहीं कर पाए, खुद को फेल्योर महसूस करने लगे, कोई टास्क हाथ में लिया वो हमने अच्छे से नहीं कर पाए, तो हम क्या करते हैं ना, खुद वर्थलेस फील करने लग जाते हैं, डिवेल्यूएशन फील करने लग जाती कि मैं वर्थलेस हूँ। फिर क्या होगा, अगर मैं वर्थलेस हूँ, अगर मैं किसी काम का नहीं, अगर मैं डिवेल्यूएटेड हूँ तो मैं क्या करूँगा, अंदर से इनसिक्योर महसूस करूँगा, तो क्या होगा, फिर वो बाहर से फैट होना, जमा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं इनफ
कैपेबल नहीं हूँ तो मेरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा और फैट बर्निंग की जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, फैट जमा हो जाएगा और वो फैट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। हमने देखा ये साइंटिफिक कॉज थे आगे वाले, पर साइकोलॉजिकल कॉज ये है, ये मैंने महसूस किया तब जाके मेरा थायराइड बिगड़ा, तब जाके मेरा पिट्यूटरी बिगड़ा और फिर फैट जमा होना शुरू हो गया। दूसरा, बाहर से जिन माहौल में जिसमें हम रहते हैं वहाँ पे हमने क्या महसूस किया कि ये आके मुझे ऐसे वर्ड बोलेगा जहाँ मैं खुद को और लो फील करूँगा, तो मैंने एक प्रोटेक्शन लेयर बना दिया, वो इनसिक्योरिटी आ गई मेरे अंदर कि आके बोलेगा बोलेगा, तो वो इनसिक्योरिटी से लड़ने के लिए मैंने फैट का लेयर बना दिया। जैसे हम बोलते हैं कि अगर मेरे हाथ में कोई पत्थर है मैं सामने वाले के ऊपर फेंकूंगी तो वो क्या करेगा ना, खुद के प्रोटेक्शन के लिए कुछ इधर हो जाएगा उधर हो जाएगा या पास में कोई चीज़ पड़ी होगी उससे ऐसे प्रोटेक्ट करेगा ऐसे, तो हमने भी क्या कर दिया, प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर बना दिया। फिर और इनसिक्योरिटी बढ़ती गई और हमारा प्रोटेक्शन लेयर बढ़ता गया, तो हमारा पेट, हमारे थाइज, हमारा हिप्स, ये डायमीटर हमारा बढ़ता गया। तो एक चीज हम आगे और देखेंगे कि बच्चों में ओबेसिटी क्यों आती है। फ्रेंड्स, जब ये बच्चा पैदा हुआ तो उसके लिए फूड यानी माँ का दूध ही उसका सब कुछ नहीं है, वो लव, वो केयर और वो फीड मिलके वो कंप्लीट उसके लिए न्यूट्रिशन बनता है। तो जब वहाँ वो लैक में गया कि मदर ने फीड तो करा दिया पर वो जो प्यार, वो जो नरिशमेंट चाहिए था, वो केयर, लव केयर, वो उसका कंप्लीट फूड है, वो अगर जब मिला तो ही वो सिक्योर फील करेगा, नहीं तो डरेगा, इनसिक्योर फील करेगा। फिर ये बच्चे ओबेसिटी में धीरे 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 डेवलप होना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, फियर तो सबके बेस में आएगा ही आएगा, सिर्फ उसके अलग अलग शेड जो है डिफरेंट डिफरेंट, कोई एस्टीम पे वार करेगा, कोई डायरेक्ट स्किन पे वार करेगा, कोई हमारे जो बोलते हैं ना हमारे रिश्तों पे वार करेगा, तो उसके हिसाब से अलग अलग उसके फिर फियर के शेड बन जाते हैं और डिजीज डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। बट फियर इज़ द मेन कॉज, क्योंकि हम वो एक चेतना थी, वननेस से सेपरेट हुए, जैसे ही हम वननेस से यानी अपने अस्तित्व से सेपरेट हुए तो फियर में गए, तो जैसे हम फियर में गए इनसिक्योर हुए, इनसिक्योर हुए डर में गए, तो उसके लिए उसके बाद हमने सारा पैदा कर लिया। तो ये जर्नी भी वही है कि वापस से ये सेपरेशन, ड्यूअलिटी, कॉन्ट्रास्ट से वननेस की तरफ जाने की ये जर्नी है फ्रेंड्स, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है। तो वैसे ही हमें जो डिजीज़ है वो आया क्यों, हमें जगाने तो आया, फिर हमने अलग 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 भावनाएं पैदा कर दी, अलग अलग परसेप्शन कर दी, अलग अलग बीमारियां पैदा कर दी, उसमें एक ओबेसिटी आई, एक डिवेल्यूएशन और एक इनसिक्योरिटी के भाव से। तो जब बच्चा अकेला पड़ा, इनसिक्योर हुआ, तो जब हम अकेले पड़ते हैं और इनसिक्योर होते हैं तो हम क्या चाहिए, हमें और प्रोटेक्शन चाहिए, और फैट पैदा कर ली, और फैट पैदा करने के लिए हम और खाएंगे और खाएंगे और वजन बढ़ेगा, और इनसिक्योर फील करेंगे और वजन बढ़ेगा, तो ये साइकिल फिर चलता रहता है। फिर हम क्या फील करते हैं जब ये हो गया, तो हम मोटे हो गए तो मेरे को फिर ये कपड़े अच्छे नहीं लगते, मैं कैसे दिखती हूँ, गंदी दिखती हूँ, भद्दी दिखती हूँ, गंदी भद्दी अगली, और फिर ये तीसरा साइकिल शुरू हो जाता है उसके साथ, गंदा दिखना, भद्दा दिखना। तो आप हर बार मिरर में देखोगे क्या फील करोगे, मैं तो गंदे दिख रही हूँ, भद्दे दिख रही हूँ, मेरे को ये कपड़े सूट नहीं होते, वो कपड़े सूट नहीं होते, तो फिर आप और, क्योंकि ये फीलिंग एक और जनरेट हो गई इसके अंदर, आप और अगले दिखना शुरू हो जाओगे, तो ये साइकिल और एक एड ऑन हो गई, तो हमारा जो तीसरा पाथवे खुल जाएगा ग्लूकागोन का, कि हमारे ब्रेन में दो पाथवे, एक इंसुलिन का, एक ग्लूकागोन का। जब हम अगली फील करते हैं और खाते हैं और बॉडी को ग्लूकोज स्टोरेज चाहिए, क्यों, सिक्योरिटी के लिए, डर से बचने के लिए, तो हमारा जो इंसुलिन पाथवे है वो नेगेटिव फीडबैक से वो बंद हो जाएगा और बॉडी में इंसुलिन सिक्रेट हो
आना कम हो गया, ग्लूकागोन आना, ग्लूकागोन का पास है, ग्लूकागोन हार्मोन बढ़ जाएगा, तो हमारे बॉडी में हम और खाएंगे, और इनसिक्योर फील करेंगे, और खाएंगे, और फैट पैदा करेंगे। ये अपने से होता है फ्रेंड्स, हम बोलेंगे मैं थोड़ी ना ऐसा सोच रहा हूँ, पर ये सबकॉन्शियस पैटर्न चल रही है आपके पीछे जिससे हम कॉन्शियस नहीं है। जब ये ग्लूकागोन पाथवे ऑन होता है तो हमारा अंदर हार्मोन्स डिस्टर्बेंसेस शुरू हुआ, पीसीओडी हुआ, डिस्टर्बेंसेस शुरू हुआ, तो हम क्या करेंगे ना, हम डिप्रेस होते जाएंगे। अगर हम हैप्पीनेस में नहीं हैं, डिप्रेस है, तो हम क्या करेंगे ना कहीं कुछ ढूंढेंगे कि कोई किसी से मुझे सिक्योरिटी मिल जाए, किसी से मुझे खुशी मिल जाए, तो हम अलग अलग तरह से फिर शुरू करेंगे, कुछ खाना ट्राई करेंगे, तो फिर या फिर मल्टीमीडिया देखते रहेंगे, मोबाइल टीवीज़, तो वो देखते देखते खाना खाते रहेंगे, क्योंकि हम भाग रहे हैं खुद से, खुद के डिवेल्यूएशन से, खुद के अंदर के डर को फेस नहीं कर रहे और बाहर सिक्योरिटी ढूंढ रहे, तो क्या करेंगे, बार बार मीडिया देखेंगे, उसको देखते देखते खाते रहेंगे, टीवी देखेंगे एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि हम खुद से भाग रहे हैं। जो बंदा जितना टीवी देखता है, मोबाइल देखता है, वो उतना खुद से भागना चाहता है, क्योंकि जब हम फ्री बैठते हैं तो खुद का सामना करना पड़ता है। तो क्या होगा, और खाएंगे, और अनकॉन्शियसली खाएंगे, और मोटे हो जाएंगे। तो बच्चों में ये जर्नी आती है मदर से, इनसिक्योरिटी से, पेरेंट्स में, फिर फैमिली में देखेंगे कि झगड़े हो रहे हैं, बच्चे को लगेगा अभी मेरा क्या होगा, अगर ये सब अलग हो गए, सेपरेट हो गए, तो जिसने वहाँ बहुत अंदर ले लिया वो क्या करेगा, उसको ओबेज होता जाएगा, मोर खाता जाएगा, और खाता जाएगा। फिर हम जिम जाते हैं, बहुत पीड़ा लेते हैं, वज़न उठाते हैं, 2 महीने 3 महीने करेंगे, पर ये सब हम किसके, अपने मन के अगेंस्ट में करते हैं। खाना, डाइट कंट्रोल, डाइट कंट्रोल, डाइट कंट्रोल, इतना मन को मार मार के हम क्या बोलते हैं ना, कंट्रोल करते हैं। फिर क्या होगा, जब जब मन ने छोड़ा कि अभी इससे कुछ नहीं होता, या फिर 10-10 kg रिड्यूस हो गया, फिर हम वापस खाना शुरू करते हैं। तो मैंने आज तक देखा है, जहाँ हमने छोड़ा है, अगर 85 kg वेट था, डाइट कंट्रोल किया, 65 पर लेके आ गया, तब जब वो डाइट कंट्रोल छोड़ेगा, वो जिम छोड़ेगा, तब वो उसका 60, 87, 88 या 90 तक जाके ही रुकेगा। क्यों? क्योंकि पहला जो था वो प्राइमरी एक्शन था, जो बाहर से हमने अपने बॉडी को दिया, और दूसरा जो था सेकेंडरी एक्शन, जो बॉडी ने वापस मारा, क्योंकि हमने अपनी साइके पे तो काम किया नहीं। हमने क्या किया, सिर्फ अपने फूड को कट डाउन कर दिया, हमने ये नहीं जाना कि ये मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम है। हमने क्या किया, सिर्फ पानी पिया, जूसेस पिए, शेक्स पिए। हर एक बंदा कितना भी करने के बावजूद भी ओबेज रहता है, क्योंकि दूसरा क्या होता है ना, जब वो अगली फील कर रहा है खुद के लिए, वो डिवेल्यूएट फील कर रहा है, और बाहर से कहेगा इतना वज़न बढ़ गया, तो कुछ नहीं कर रहा है अपने वज़न के लिए, तो इतना खा रहा है, तो और वो डिप्रेस फील होगा, और वो डिवेल्यूएट फील होगा, और उसका मोटापा बढ़ेगा। तो एक बंदा बहुत मोटा है और एक बहुत दुबला पतला है, दुबले पतले को बोलेंगे तू बहुत पतला है, तू बहुत पतला है, तेरे को कुछ सूट नहीं होता, वो भी अगली में, ये भी अगली में, कि मेरे को कुछ सूट नहीं होता। तो हम कहीं ना कहीं खुद को कपड़ों से जज करने लग गए, लोगों की नज़रों से जज करने लग गए, और डिवेल्यूट होते गए, अंदर से तो डिवेल्यूशन था ही था, तो फ्रेंड्स और अगली में जाते गए। तो ऐसे ही, इसीलिए ओबेसिटी नहीं ठीक होती किसी की, सिर्फ इतनों से नहीं होना है। हाँ, जब मेडिटेशन करेंगे, खुद को फेस करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, हम नॉलेज लेंगे, और अपनी ये जो अंदर पड़े भाव, जो इनसिक्योरिटी का भाव है, खुद के लिए लो फीलिंग का जो भाव है, खुद को कहीं साबित करने का जो है, क्योंकि किसी ने डिवेल्यूएट किया ना, तब हमने क्या किया, अभी तेरे को करके दिखाता हूँ, तो हम क्या करेंगे ना, और एनर्जी चाहिए, और तो फिर पैरों में और चर्बी चाहिए, तो ही थाइस चलेंगी, क्योंकि हम परफॉर्मेंस में आएंगे, इसलिए थाई पे फैट होना जमा होना शुरू हो जाएगा, हिप्स पे शुरू हो जाएगा। तो जब हम ये जान पाएंगे कि मैं खुद के लिए जी रहा हूँ, लोगों के लिए नहीं, तो जब खुद के ऊपर काम करेंगे, खुद की इनसिक्योरिटीज़, डिवेल्यूएशन की फीलिंग पे,
खुद को वर्दी समझेंगे, खुद को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, सेल्फ लव अगेन आएगा, अगेन सेल्फ एक्सेप्टेंस। हर रोज मिरर में देख के खुद को फेस करो और बोलो यस आई एम वर्दी, मैं जैसा हूँ खुद को बहुत प्यार करता हूँ, मैं खुद को स्वीकार करता हूँ, मैं खुद की वैल्यू करता हूँ। ये जब हम बार 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 आएंगे, फिर हम कॉन्शियस लिविंग में आ जाएंगे, फिर हमारा खाना भी कॉन्शियस होगा, फिर हमारा सोचना भी कॉन्शियस होगा, फिर हमारा बिहेवियर भी कॉन्शियस होगा। तो जैसे ही हमने बिलीफ पे काम कर दिया, उसकी प्रोडक्ट की ठीक होना शुरू हो जाएगी, फिर वेट नहीं बढ़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमने कहा प्रोसेस पे काम किया। जिस डिस्टर्ब फीलिंग ने मुझे ओबेस बनाया, वो फीलिंग को करेक्ट कर दिया, ओबेसिटी करेक्ट हो जाएगी, भले ही कितना भी हो, फिर नहीं बढ़ेगा वजन, क्योंकि फिर हम कॉन्शियसनेस में आ गए ना। वो तो क्या था, एक अलग अलग तरह की प्रोडक्ट को रिपेयर करने के क्या बोलते हैं हथियार थे, कि डाइटिंग कर लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, दिस आर द प्रोडक्ट रिपेयरिंग इक्विपमेंट्स। पर हमें प्रोडक्ट रिपेयरिंग इक्विपमेंट्स नहीं यूज़ करने हैं, हमें क्या करना है, प्रोसेस को ठीक करना है, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में आना है। ओबेसिटी इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। फिर हम बोलते हैं मैं ओबेज हो गया, मेरे घुटनों पे बहुत ज़्यादा वज़न आना शुरू हो गया, इसलिए डॉक्टर ने बोला कि आप वज़न कम करो तो घुटने ठीक हो जाएंगे, आप वज़न कम करो तो आपकी कमर ठीक हो जाएगी, आप वज़न कम करो तो आपका शुगर कंट्रोल में आ जाएगा, आप वज़न कम करो तो आपका बीपी कंट्रोल में आ जाएगा। पर फ्रेंड्स, अगर हम इसके पीछे की फीलिंग को करेक्ट नहीं करेंगे तो ये सब भी नहीं ठीक होगा और ये भी ठीक नहीं होगा। तो हमें हमारे अंदर की फीलिंग, ओबेसिटी की फीलिंग को जो है डिवेल्यूएशन, डिसगस्ट यानी अगली फीलिंग, और तीसरी इनसिक्योरिटी का भाव, इन सब को करेक्ट करना है। हर एक सिचुएशन में जीना सीखना है, एक्सेप्ट करना है, नई लाइफ, नए सिचुएशन में, अननोन में जाना सीखना है, अननोन से डरना नहीं है, अननोन को एंजॉय करना है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए स्वास्थ्य का सत्य, आपका अपना शो पीएमसी हिंदी के हर चैनल पे आपको दिखेगा। थैंक यू वेरी मच। पीएमसी हिंदी बदले जी।